हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करने जा रहे हैं रिव्यू रॉयल एनफील्ड क्लासिक सिग्नल एडिशन का। हमारे पास है सैंडस्टॉर्म कलर और ये हमारे एक दोस्त ने ख़रीदा है नवंबर 2020 में। उसको 6 मंथ्स हो गए इसको यूज़ करते हुए। हमारा बाइक 5000 किलोमीटर चल चुका है। तो जो भी हमें हमारे फ्रेंड ने रिव्यूज़ दिए हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो पूरा रिव्यू देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नए वीडियोस हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्लासिक सिग्नल एडिशन रॉयल एनफील्ड का रिव्यू। तो दोस्तों, जो सबसे पहले क्वेश्चन माइंड में आता है वो है कि कितने प्राइस में ये बाइक पड़ी है। तो ये ऑन रोड 2,10,000 की बाइक पड़ी है, और जो मॉडल है वो है BS6 फ्यूल मॉडल। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो ब्रेक्स जो है हमारे, उसके अंदर नई टेक्नोलॉजी जो है ABS ड्यूल चैनल मॉडल यूज़ किया गया है। जब आप पहले ब्रेक को लगाते हो तो वो ऑटोमेटिकली सेकंड ब्रेक के साथ कनेक्ट होके फिर ब्रेक लगाता है। अब जैसे कि आप मॉडल में देख सकते हो, जो बीच का पार्ट जो दिया हुआ है वो प्रॉपर ब्लैक दिया हुआ है, तो आपको स्पेशली कोई पॉलिश करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। ये बहुत ही अच्छा और साफ सा रहता है। ये बहुत अच्छी एक बेनिफिशियल चीज़ है। और एक इस बाइक की खास चीज़ ये है कि अगर आप स्टैंड लगा हुआ है और आपने बाइक चालू कर लिया है, तो जब भी आप गियर लगाओगे बाइक अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो वो एक बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है इस बाइक का, कि सेफ बहुत ज़्यादा है बाइक। लुक देखिए आप कितना अच्छा आ रहा है सैंडस्टॉर्म कलर का। तो बाकी का हम रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि 5000 किलोमीटर चल चुकी है 6 महीने के अंदर। राइडिंग एक्सपीरियंस के बारे में हमने पूछा तो उन्होंने बताया, अगर आप लो स्पीड पे जा रहे हो तो कोई वाइब्रेशन नहीं होगी, पर अगर हाई स्पीड पे जाते हो तो थोड़ा सा वाइब्रेशन दिखता है। 50-60 किलोमीटर तक बिना थके आप इस बाइक को चला सकते हो नॉन स्टॉप। और कंफर्टेबल के मामले में उनका ये कहना है कि सबसे बेस्ट कंफर्टेबल बाइक उनको लगी है आज तक की। फर्स्ट सर्विस के बाद हालांकि इनके गियर थोड़े बहुत अटकने लग गए हैं, कभी कभी न्यू प्लेट्स की वजह से ये दिक्कतें आ जाती हैं। पर सबसे अच्छी जो चीज़ इनको लगी बाइक में, कि ABS ड्यूल मॉडल ब्रेक्स जो हैं। बाइक के इस पोर्शन में आप कोई भी स्टिकर वगैरह अपने अकॉर्डिंग, अपनी पर्सनल चॉइस के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हो। ये पोर्शन दिया गया है। अब आपको दिखा देते हैं फ्रंट में जो भी चीज़ें हैं। आप देख पा रहे हैं फ्यूल के लिए एक लाइट दी हुई है। हालांकि इसके अंदर आपको ये देखना चाहिए, ABS ड्यूल मॉडल भी शो कर रहा है। इस बाइक के अंदर एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि इसके अंदर रिजर्व का कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो लाइट्स दी हुई हैं उन्हीं से पता लगता है कि फ्यूल अब आपको डलवाने की ज़रूरत है या फ्यूल ख़त्म हो गया बाइक में। तो चलिए एक बार आपको बाइक स्टार्ट करके भी दिखा देते हैं कि क्या प्रोसीजर है बाइक को स्टार्ट करने का। चलिए फिर से आते हैं रिव्यू पे। तो जो इसकी माइलेज है वो 33-34 की है, और जो अलॉय के बिना ही अच्छा सा लुक आ रहा है जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं। तो इन्होंने ज़्यादा कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह करवाए नहीं है, थोड़े बहुत स्टिकर्स लगाए हैं जो हमने आपको वीडियो में दिखा भी रहे हैं। जो टायर हैं इसके वो अच्छी ग्रिप वाले हैं, तो वो स्लिप नहीं होते हैं। इनके साथ आज तक कभी नहीं हुआ है कि इनकी बाइक कभी भी स्लिप हुई हो। जब हमने पूछा कि आप 5 में से कितने स्टार देना चाहेंगे बाइक को, तो इनका ये बोलना है कि ये अपने बाइक को 4.5 स्टार देना चाहेंगे, और रिकमेंड भी करेंगे कि ये बहुत ही अच्छा बाइक है। हालांकि पीछे वाली सीट इसकी अनकंफर्टेबल है सेकंड पवेलियन के लिए, लेकिन फिर भी एक बंदे के लिए बाइक बहुत ही ज़्यादा इन बजट और अच्छी माइलेज वाली बाइक है। ऐसा नहीं है कि आप इसके साथ अपनी शौक भी पूरे कर सकते हैं और माइलेज भी अच्छी है, तो ज़्यादा महंगी भी नहीं पड़ती है बाइक। तो इसलिए इन्होंने ये बोला है कि ये रिकमेंड करते हैं इस बाइक को, अगर आपको रॉयल एनफील्ड की बाइक चूज़ करनी है तो। तो अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नई वीडियोस के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।